बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो पंजाब ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस एंड ट्रेन में खाली सामियों का ऐलान हो गया और ये लाहौर रीजन के अंदर ये पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ये पोस्टें हैं और ये 62 पोस्ट हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके जिसमें कंप्यूटर्स का काम होता है और ICS जिसने किया हुआ है ना सेकंड ग्रेड के साथ, वो अप्लाई कर सकता है, वो आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनकी उनके अंदर कंप्यूटर स्किल्स भी होती हैं और टाइपिंग वगैरह भी उनके पास होती है, तो उनकी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगी और कंप्यूटर से रिलेटेड ही MCQs होंगे टेस्ट के अंदर। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन करना है और 600 रुपये उनकी फ़ीस होगी बाई यूज़। और मैं जल्दी जल्दी इसकी आखिरी तारीख बता देता हूँ, 19 जुलाई 2024 की लास्ट डेट है और उससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें। ऑनलाइन अप्लाई है, आप एक घंटे में भी अप्लाई कर सकते हैं और बाय यूजिंग PPSC वेबसाइट आप अप्लाई करेंगे। 600 रुपया इसकी फ़ीस होगी और इसका PPSC ही टेस्ट लेगी, कंडक्ट करेगी। 100 MCQs होंगे या वो उसके बाद MCQs के बाद टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें जी, जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है इसका जो स्केल है वो 12वां स्केल है और 12वें स्केल की तकरीबन 40 से 60 हज़ार के दरमियान इनके सैलरी है और 18 से 33 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि अप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पर मैं और यहाँ पर देखें जी, PPSC जॉब्स मैंने सर्च की है और PPSC को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, पहली वेबसाइट है। और इसके साथ साथ मैंने जैसे इसको ओपन करना है ना तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। सीरियल नंबर 10 तक इसकी जॉब्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। अब जो सीरियल नंबर 8, 9, 10 है ना, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पर देखें मास ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट लाहौर। और उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जॉब्स आई हुई हैं। और यहाँ पर ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी है। अब ये सारी की सारी जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर यहाँ पर सीरियल नंबर 9 तक, बल्कि 10 तक, 10 भी शामिल है यहाँ पर, ये सारी की सारी मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जॉब्स आ गई हैं। अब यहाँ पर इनकी लास्ट डेट्स 19/7/2024 है। अब अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है, मिसाल तौर पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और अप्लाई करने का मेथड मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ये पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट लाहौर। ठीक है, लाहौर वाले अप्लाई कर सकते हैं या उसकी जो तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, रीजन्स हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट तो लाहौर है और जो तहसील है वो जो लाहौर को लगते होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, रीजन्स। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन कितनी है, इंटरमीडिएट हो सेकंड डिवीज़न के साथ, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 मंथ डिप्लोमा इन MS ऑफिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर देखें, बेसिकली उन्होंने प्रेफर किया हुआ है ICS वालों को सेकेंड डिवीज़न के साथ और स्पीड ऑफ टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट ऑफ, ठीक है, इंग्लिश में। और इसके साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको क्लियर कट बता दूँ, 62 हैं और वुमेन के लिए ये 9 है और अलग अलग हैं उनके लिए, अदर कोटा 0 है। BS 12वां स्केल है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पोस्टिंग मेरे ख्याल में लाहौर में होगी। मैं सोच रहा था कि कहीं से भी सिर्फ लाहौर वाले अप्लाई कर सकते थे लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर पंजाब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर देखें जी, 18 से 28 साल की उम्र है मेल के लिए और 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अप्लाई करना है फिर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर अपना आप लोग शिनाख्ती कार्ड नंबर पुट करेंगे यहाँ पर डैशेस के साथ और यहाँ पर नीचे विदाउट डैश के साथ पुट करेंगे तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ID कार्ड नंबर पुट करेंगे, उसके बाद आपके पास जो प्रोसीजर आता रहेगा उसके ऊपर आप अप्लाई करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल भी आपको मैं यहाँ पर बता दूँ क्लियर कट, अगर उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है यहाँ पर देखें, अगर आप प्रोसीजर के साथ साथ अप्लाई करते रहेंगे तो यहाँ पर सेट नंबर 1 है मैट्रिकुलेशन और ICS। और उसके बाद यहाँ पर डिग्री नेम क्या है, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट, 3 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस, ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें रिक्वायर हैं।
तो आप लोग अप्लाई करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ सेलेक्ट हो जाएंगे। और पीपीएससी के थ्रू टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे और 19 जुलाई आखिरी तारीख है, ऑनलाइन अप्लाई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में विद एमसीक्यूज के, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में जो जो एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।